नमस्कार, मैं प्रीति त्रिवेदी वाराणसी से। मैं स्वयं सरकारी स्कूलों में पढ़ी हूँ और आज मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा भी रही हूँ, एज ए इंचार्ज प्रधानाध्यापिका काम भी कर रही हूँ। अगर ये पूछा जाए कि आज़ादी के 100 साल बाद हम सरकारी स्कूलों में क्या देखना चाहते हैं, तो बहुत छोटी छोटी और बेसिक चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते हैं। पहली बात तो कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, बच्चों के लायक बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा आकर्षक माहौल हो। इसके साथ साथ बच्चों की प्रतिभा निखारने का पर्याप्त अवसर हो। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे, जहां उसकी रुचि हो, उसके अनुसार उसको पूरे गाइडेंस मिले, उसको अपने मार्ग तो को तय करने में आसानी हो। तीसरी बात है कि बच्चे को जीवन कौशल और जीवन मूल्यों का विद्यालय में पूरी तरह से निखारने का अवसर दिया जाए। जब बच्चा पढ़ के सरकारी स्कूल से निकले तो आत्मविश्वास और अपने जीवन के आत्मनिर्भरता से भरपूर हो, उसको पता रहे कि वो भविष्य में उसके जीवन की क्या रूपरेखा है, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और सबसे अहम बात जो मेरे अंदर है, सालों से है, जब मैं पढ़ती थी तब भी मुझे लगता था, आज मैं पढ़ाती हूँ और बच्चों के मनोभावों से परिचित होती हूँ तब भी मुझे लगता है कि आज़ादी के 100 साल बाद किसी भी सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को ये फॉर्म, ये कॉलम ना भरना पड़े कि वो किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय से है। वो भारतवासी है और उसे सबके बराबर का अधिकार है, सबको एक जैसा अवसर है। कभी बच्चे को हम भले ही उससे सुविधा देते हैं इन फॉर्म की वजह से, लेकिन कई बार उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है। तो मैं चाहूँगी कि आज़ादी के 100 साल बाद किसी बच्चे को अपने परिचय में ये कहना ना पड़े, ये प्रमाण पत्र ना जुटाना पड़े। बस इतनी सी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।